फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएम कॉमर्स कोटा। लास्ट वाली वीडियो में अपन ने बात की थी पार्टनरशिप की, ठीक है। पार्टनरशिप के जो थोड़े बहुत अपन ने टॉपिक्स देखे थे उसमें, ठीक है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन की बात की थी। वहाँ पर अपन ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन ने बनाया था और उसके बारे में क्या क्या अंदर डिटेल्स आती हैं वो सारी चीज़ें अपन ने देखी थी लास्ट वाली वीडियोज़ में। आज अपन बात करेंगे पार्टनरशिप के अंदर की डिटेल्स में, यानी कि जो भी टॉपिक्स अपन लास्ट वाली वीडियोस में देखे थे उन सभी टॉपिक्स को अपन डिटेल्स में यहाँ पर इस वाली वीडियोस में देखेंगे कि डिटेल्स में क्या क्या इन टॉपिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखेंगे अपन कि पार्टनरशिप में एक्ट कौन सा अप्लाई होता है, ठीक है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं किस एक्ट के। तो याद रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है, ठीक है। पार्टनरशिप में जो एक्ट अप्लाई होता है वो 1932 अप्लाई होता है, जो कि 1 अक्टूबर 1932 को अप्लाई हुआ था। याद रखिएगा ये डेट, आप याद रखिएगा डेट, आपको याद रखनी है 1 अक्टूबर 1932 को, ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें आप याद रखिएगा कि ए एंड बी कोई दो पर्सन हैं, दो व्यक्ति हैं जो मिलकर कोई भी बिजनेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है ना, तो इसी बिजनेस को अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करेंगे, एक तरीके से एग्रीमेंट करेंगे। इस एग्रीमेंट को अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। यानी कि ए और बी कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इस पूरे बिजनेस को अपन क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे इसको। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। और इसमें ये दोनों जो व्यक्ति होते हैं, जो काम करते हैं, जो इस पार्टनरशिप फॉर्म को रन करते हैं, इसको अपन बोलते हैं पार्टनर्स। क्या बोलते हैं इनको, पार्टनर्स बोलते हैं इन दोनों व्यक्तियों को। और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। दोनों को मिलाकर, दोनों को कलेक्टिवली अपन बोलते हैं पार्टनर्स, और इन दोनों को पार्टनरशिप फर्म, दोनों को कलेक्टिवली अपन बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, और दोनों को इंडिविजुअल अपन बोलते हैं पार्टनर्स। एनी डाउट, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं नीड ऑफ पार्टनरशिप पर, कि मुझे पार्टनर्स की नीड क्यों है। अब पार्टनर्स याद रखेगा कि अपने साथ कोई भी व्यक्ति है तो उसको अपन पार्टनर नहीं बोलेंगे, उनके बीच में बिजनेस भी होना चाहिए, और बिजनेस में जो प्रॉफिट लॉस होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, उसी को अपन पार्टनरशिप बोल रहे हैं यहाँ पर। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक आता है अपना पास नीड ऑफ पार्टनरशिप। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अपना, अगला टॉपिक है नीड ऑफ पार्टनरशिप। नीड ऑफ पार्टनरशिप, अपने को पार्टनरशिप की नीड क्यों ही, सामने वाले की जरूरत अपन को क्यों पड़ी, क्योंकि अपने पास एक लिमिटेड वर्क है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड मैनेजमेंट है, ये सभी चीज़ें अपने पास क्या है, लिमिटेड। अगर दूसरा व्यक्ति भी अपने पास आ जाएगा, दूसरा पर्सन भी अपने साथ वर्क करेगा, तो अपना जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा एक्सप्लोर होगा और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी रीज़न से मुझे क्या होगी, पार्टनरशिप की नीड होगी कि हाँ यार, दूसरा व्यक्ति है तो वो और ज़्यादा कैपिटल लगा पाएगा, मैनेजमेंट ज़्यादा कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अपन को किसकी नीड हुई, पार्टनरशिप की नीड हुई। अगला टॉपिक है अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, तो याद रखिएगा आपने जो मीनिंग एंड डेफिनेशन यहाँ पर देखी है पार्टनरशिप की, तो उसी से अपन देखेंगे पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स को। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने डेफिनेशन में देखा था कि ए एंड बी टू पार्टनर्स है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि टू पार्टनर्स होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा, तो सेकंड डेफिनेशन ये होगी कि एग्रीमेंट है, ठीक है। तीसरी है कि इनके बीच में क्या होगा, एक बिजनेस होगा, तो हैविंग बिजनेस, ठीक है। और इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और लास्ट एंड फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है, ये जो पार्टनरशिप फर्म है, या तो ये ओनली ए रन करेगा या बी रन करेगा, या दोनों भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करें आप बी को कुछ इसका एक अलग से क्या है, अलग से बिजनेस भी है, ठीक है, ये साइड बिजनेस भी करता है बी। अब अगर यहाँ पर ओनली ए इस पार्टनरशिप फर्म को रन करना चाहता है, तो दोनों पहले बैठकर क्या करेंगे, बात करेंगे, एग्री होंगे दोनों इस बात के लिए कि हाँ यार, ये बिजनेस कौन करेगा, पार्टनरशिप फर्म कौन रन करेगा, ओनली ए करेगा, तो ए भी इस पार्टनरशिप फर्म को क्या कर सकता है, रन कर सकता है। आगे समझ में, ठीक है ना। तो ये फाइव इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। वापस से अपन रिपीट करते हैं, क्या है, मिनिमम टू पर्सन्स हैं,
एग्रीमेंट होना चाहिए, हैविंग बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और जो पार्टनरशिप है वो कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, यानी कि सभी के द्वारा या तो चलाया जा सकता है या किसी एक के द्वारा जो उनमें से क्या करते हो एग्री करते हो जो सभी, ठीक है ना। अगला है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को देखने के लिए अपन सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिक, ये अपने ट्रिक है, ये अपने ट्रिक है, कौन सी, ये LTOL, ये मैंने पहले भी बताई थी आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में, क्योंकि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में मैं ये ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ पर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बहुत सारे तरह की है, क्योंकि अलग अलग बेस है उसके, उस बेस के आधार पर, उस बेसिस पर क्या किया गया है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है अलग अलग, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बना दी ताकि आप कन्फ्यूज ना हो कि यार कितने बेस है और क्या क्या उसमें टाइप्स है, सब इसमें क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, जिसका नाम है LTOL, ठीक है। L का मीन्स यहाँ पर होगा लायबिलिटी, T का मीन्स होगा टाइम, O का मीन्स होगा ऑब्जेक्ट, और L का मीन होगा लीगलिटी, जो आपको नीचे गिवन है यहाँ पर, ये देखो लायबिलिटी, टाइम, ऑब्जेक्ट और लीगलिटी, ठीक है। अब लायबिलिटी में फर्स्ट हर एक बेसिस में आपको दो पार्टनरशिप के टाइप्स मिलेंगे, हर एक बेसिस में, देख लो यहाँ पर इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं और इसमें भी दो हैं, तो हर एक बेसिस में आपको टू टाइप्स की पार्टनरशिप मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। और ये दोनों मैंने जो बताई हैं आपको, ये बेसिस में जो दोनों टाइप्स की पार्टनरशिप हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है, ठीक है। जैसे देखो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में फर्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और सेकंड उसी की जस्ट अपोजिट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में जो फर्स्ट है वो है फिक्स टाइम पीरियड पार्टनरशिप और उसी की जस्ट अपोजिट है नॉन फिक्स टाइम पीरियड पार्टनरशिप। फिर थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें फर्स्ट है पार्टनरशिप एट विल और उसी की जस्ट अपोजिट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। और फोर्थ भी है ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, तो इसमें फर्स्ट है लीगल पार्टनरशिप, तो उसी का जस्ट रिवर्स है इलीगल पार्टनरशिप, आया समझ में, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है माइंड में, ठीक है। पहले मैंने आपको बेसिस लर्न करवा दिए LTOL करके, और उसी का आपको क्या करना है, जस्ट अपोजिट याद रखना है कि यार फर्स्ट की सेकंड क्या है, अपोजिट है जस्ट, ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। फिर फर्स्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नाम से पता चल रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब इसमें जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। अब लिमिटेड एक लिमिट है, अब कहाँ तक इसकी लिमिट है, तो याद रखिएगा पार्टनर्स ने जितनी कैपिटल अपने बिजनेस में या पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वेस्ट कर रखी है वहीं तक इसकी क्या है, लिमिट है। उससे ज़्यादा ये लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं करेगा, इसी को अपन बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। अगला आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीन आप पता चल रहा है नाम से कि इसमें जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिट नहीं रहेगी, इट मीन्स अनलिमिटेड रहेगी। अब अनलिमिटेड कैसे, यानी कि जितनी भी लाइबिलिटी बनती है उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे जो पार्टनर्स हैं उनको अपनी पर्सनल एसेट्स बेचकर, पर्सनल एसेट्स को सोल्ड आउट करके वो लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, लेकिन पेमेंट जरूर करेंगे, इसी को अपन बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपनी पर्सनल एसेट्स भी उसको बेचनी पड़ती है और लाइबिलिटी का पेमेंट करना होता है, ठीक है। फिर आते हैं अपन अगले वाले पे, नेक्स्ट पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, उसमें है फर्स्ट आपके पास फिक्स टाइम पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स टाइम पीरियड पार्टनरशिप नाम से पता चल रहा है, ऐसी पार्टनरशिप जो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए डिसाइड की गई है, ठीक है, एक साल, दो साल, पाँच साल, दस साल, उसको अपन बोलेंगे फिक्स टाइम पीरियड पार्टनरशिप। फिर अगली आती है नॉन फिक्स टाइम पीरियड पार्टनरशिप, इट मीन्स ऐसी पार्टनरशिप जिसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, चलती जा रही है। फिर जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है तो ये पार्टनरशिप क्या होती है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, आ रहा है सामने। और अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें फर्स्ट है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल जब तक इच्छा है तब तक चल रही है, और जब मेरी इच्छा खत्म हुई वैसे मैंने क्या कर दिया, इसका ओवर कर दिया पार्टनरशिप का। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके अपोजिट पार्टनर्स हैं उनको आपको नोटिस देना जरूर पड़ेगा। नोटिस तो देंगे ना, अपन कल से अपन बिजनेस से नहीं जा रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में जा ही नहीं रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, सोच लिया खुद ने क्या यार मैं तो नहीं जाऊँगा, लेकिन वैसा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आपको उनको क्या देना पड़ेगा, एक रिटर्न में नोटिस देना पड़ेगा, तब जाकर आप बैठ सकते हो घर पर, ठीक है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट में सेकंड वाली पर्टिकुलर पार्टनरशिप।
पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो प्रिपेयर की जाती है उसी को अपन बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो प्रिपेयर की जाएगी उसी को अपन बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब इसमें जैसे ही वो पर्टिकुलर पर्पस क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, वैसे ही ये पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आ गया समझ में? तो इसी को अपन बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी में लीगल पार्टनरशिप। अब लीगल नाम से पता चल रहा है, ऐसी पार्टनरशिप जो लीगल चीज़ों के लिए बनाई जाती है, जो लीगल है, जिसमें लीगल व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसी को अपन बोलेंगे लीगल पार्टनरशिप। ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट कर लो आप तो वो क्या हो जाएगी, इलीगल पार्टनरशिप। याद रखना हर एक बेसिस में जो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है वो एक दूसरे की क्या है, जस्ट अपोजिट है। आप एक को याद रखोगे तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आपको लर्न हो जाएगी। और इसमें तो याद रखना, इसमें तो आपके दोनों के क्या है, अपोजिट है, मतलब जस्ट आप इसका जस्ट अपोजिट कर लेना तो वही क्या हो जाएगा, इलीगल पार्टनरशिप में काम आ जाएंगे आपके वही वाले टॉपिक्स, लीगल और इलीगल वाले। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये देखो आपके सामने मैंने बना रखा है पार्टनरशिप डीड, एक तरीके से एग्रीमेंट है बेटा, मतलब जो स्टाम्प पेपर आता है देखो आपने, तो वो स्टाम्प पेपर समझ लो आप एक तरीके से। इस स्टाम्प पेपर पर इस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे इसमें लिखे जाते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर ये लगा रखे हैं जो सारे पॉइंट्स हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है सारे जितने भी, कि यार ए की कितनी कैपिटल होगी, बी की कितनी कैपिटल होगी, ए किस जगह रहता है, बी किस जगह रहता है, ए के क्या राइट्स होंगे, बी के क्या राइट्स होंगे, ए की क्या लाइबिलिटी होंगी, बी की क्या लाइबिलिटी होंगी, ये पार्टनरशिप फर्म किस नेम से रन की जाएगी, इस पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं पार्टनरशिप ड्यूट से रिलेटेड, जितने भी इनको इश्यूज हैं जितनी भी, वो सारी किसमें लिखी जाती है, पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है, ताकि इन दोनों के बीच में इन फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, कोई भी लड़ाई नहीं हो इनके बीच में इन फ्यूचर में, इसीलिए पार्टनरशिप डीड क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। और इसके नीचे ये देखो आप, आपको दिख रहा होता है, इसके नीचे दोनों के क्या कर दिए जाते हैं, पार्टनर्स के साइन किए जाते हैं, ताकि दोनों पार्टनर्स इन बातों को मानने से मना नहीं कर सके, इसलिए इन दोनों के साइन भी करवा लिए जाते हैं इस पर, ताकि ये दोनों जो पार्टनर्स हैं या जितने भी पार्टनर्स हैं, मिनिमम 2 हैं बेटा पार्टनर्स, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो याद रखिएगा आप मिनिमम 2 हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्टनर्स के नीचे साइन होते हैं, चाहे 3 होंगे तो तीनों पार्टनर्स के नीचे क्या होंगे, साइन होंगे। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितने भी उनकी राइट्स हैं, जितनी उनकी लाइबिलिटीज हैं, सारे लिख देंगे कि तू ये काम करेगा, मैं ये काम करूँगा, हर एक चीज़ इसके अंदर लिखी जाती है। ठीक है ना, जिससे कि फ्यूचर में इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, अगला टॉपिक आता है अपना रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये पार्टनरशिप डीड अब नहीं बनाई है। सपोज करो किसी को नॉलेज ही नहीं है पार्टनरशिप डीड की, कि यार ऐसा भी कुछ होता है क्या, बहुत सारी ऐसी पार्टनरशिप फर्म होती है जहाँ पर ये नहीं बनाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट में ये रूल्स दिए गए हैं, ये रूल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं। अब कौन कौन से रूल्स हैं इसमें, फर्स्ट रूल्स हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, कि जो भी दोनों का क्या होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, चाहे ए ने 5 लाख रुपये लगा रखे हैं, 5 लाख, और बी ने लगा रखे हैं यहाँ पर 10 लाख, लेकिन फिर भी दोनों का रेशियो जो होगा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का वो क्या हो जाएगा, अभी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने क्या नहीं बना रखा, पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं कर रखा है इन्होंने। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं नो सैलरी बोनस कमीशन टू अ पार्टनर, ये सेकेंड वाला पॉइंट, नो सैलरी बोनस कमीशन टू अ पार्टनर, यानी किसी भी पार्टनर को ना तो सैलरी देंगे, ना बोनस देंगे, ना ही कमीशन देंगे। ठीक है, अगला टॉपिक आता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब अगर ये पार्टनर इस पार्टनरशिप फर्म में क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो उस पर भी इसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पार्टनर्स को। ठीक है, उसके बाद आते हैं नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनर क्या करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेता है, तो उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं देना है पार्टनर्स को, किसको, पार्टनरशिप फर्म को। याद रखना ये दोनों एक सेपरेट एंटिटी पर वर्क करते हैं बेटा, पार्टनरशिप फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है। जैसे आपने देखा हो 11th में कि बिजनेस अलग होता था और बिजनेसमैन अलग अलग होता था, दोनों सेपरेट एंटिटी पर क्या करते थे, वर्क करते थे। और अपन जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो बिजनेस के लिए करते हैं, नॉट फॉर बिजनेसमैन। तो यहाँ पर भी वैसे होगा, जो भी अपन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो सब पार्टनरशिप फर्म के लिए की जाएगी, नॉट फॉर पार्टनर्स के लिए। एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर्थ वाला,
नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगी अपना। अगला है फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6% पर एनम। अब याद रखना, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को क्या देता है, लोन देता है, तो एसी कंडीशन पे इस लोन पर कितना परसेंट, 6% पर एनम की रेट से क्या मिलेगा इसको, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये कब मिलेगा, जब इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है। सपोज करो उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया होता और उसमें लिख रखा होता 7%, तो फिर कितने परसेंट की रेट से देते अपन इंटरेस्ट, 7% की रेट से अपन इंटरेस्ट देते। लेकिन यहाँ पर आपको पता ही है कि इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, तो ऑटोमेटिकली ये जो रूल है पार्टनरशिप डीड के नहीं किया है इन्होंने, प्रिपेयर नहीं किया है, तो ये ऑटोमेटिकली रूल क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसमें कितना परसेंट है, 6% पर एनम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आज अपन ने कंप्लीट किए हैं इस वाली वीडियोस में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो ज़रूर मुझे भी मोटिवेट करें, और ये छोटी छोटी जो ट्रिकें हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। CM कॉमर्स कोटा से आप बने रहिएगा, ठीक है। इसमें जल्द ही मैं आप कोशिश करूँगा नई नई वीडियोज़ को अपलोड करने की, ठीक है। और ये वाली जो वीडियोज़ है वो है पार्ट टू वाली, याद रखिएगा। और लास्ट वाली जो वीडियो बनाई थी मैंने वो पार्ट वन था, ये पार्ट सेकंड है उसी वाली वीडियोज़ का, और जल्द ही पार्ट थर्ड भी आपके सामने होगा इस वाले चैनल पर। तो चैनल से बने रहिएगा आप, बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा अगली वाली वीडियोज़ भी, ठीक है। थैंक यू सो मच CM कॉमर्स कोटा से बने रहने के लिए, थैंक यू।